हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, एक रंगोली डॉट बनाने का एक टूल बनाना सीखते हैं। एक प्लास्टिक का डब्बा है, जो सिलाई मशीन में तेल डालने का जो डब्बा आता है प्लास्टिक का, ये सिर्फ चार मार्केट में 4 रुपये में मिलता है। मैं भी इसको 4 रुपये में खरीद के लाया। तो जैसे ये जो भाग है, इनको चाकू के द्वारा काट लेना है। हम जितना आगे आगे काटते जाएंगे, हमारा जो छेद भी है वो मोटा होते जाएगा। तो अपने को ज्यादा मोटा नहीं करना है क्या? तो अपने को ये थोड़ा सा आगे का जो थोड़ा सा भाग है उसको काटना है प्लेन करके, और ये बन गया हमारे एक डॉट बनाने का टूल। बड़ा है, सस्ता है, बड़ा ही आसान है, और ये सुंदर डॉट बनता है। हम प्रैक्टिकल देखेंगे यहाँ पर। और इसमें जो रंगोली भरना है, तो एक चारी लेना है या फनेल है, इसके द्वारा रंगोली अंदर भरना है। इतना ध्यान रखना कि पूरा रंगोली पूरा मात्रा में नहीं भरने का, एक तो आधा या आधा से कम, ताकि उसके अंदर एयर रहे और वो एयर के द्वारा वो बाहर आए। इसलिए जब भी हम रंगोली भरेंगे, आधा या आधा से कम भरेंगे। तो इस प्रकार थोड़ा सा प्रेस करना है, जैसे डॉट बन गया थोड़ा सा उठाना है, फिर से थोड़ा प्रेस करके नीचे डालना है। तो इस प्रकार के डॉट बनते जाएगा। तो चलिए, इस टूल के सहायता से एक डेमो के लिए का हम डिजाइन बनाएंगे कि ये टूल से कैसे हम डिजाइन बना सकते हैं। तो पहले इस प्रकार के एक गोल बना लेंगे हम, थोड़ा सा टेक्चर देंगे कंघी से। अब तीन चूड़ी रखेंगे, और जो हमने टूल बनाया है, बस ये बढ़िया डॉट बनता है। देखिए बढ़िया डॉट बन रहे हैं। जैसे अपने को बहुत सारे कलर यूज करना पड़ता है, तो इसलिए ये जो बॉटल है, हम 7 8 10 रख सकते हैं अलग अलग कलर के लिए, तो बेटर रहेगा, ताकि बार बार अपने को कलर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक लकड़ी का टूल है बारीक, तो इससे फूल बनाना है। जैसे अपने पास कम डब्बा है, तो ये मुझे चेंज करना पड़ा। और रंगोली जितना ज्यादा फ्री होगा काम करने में, उतना ही आसान होगा डॉट बनेगा, उतना आसान। तो ये देखिए बढ़िया डॉट बनता है। इससे इस प्रकार डॉट बनाना है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक बटन को दबा के लाइक कीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए, तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन आता है, उनको दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल बटन दबाने से मेरा हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार रंगोली से जुड़े हुए, या शेड, रंगोली का शेड कैसा बनाते हैं, ये मैं खास करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूँ। और नए नए ट्रिक्स, और रंगोली कैसा बनाने में आसान होगा, कौन कौन से टूल हम बना सकते हैं घर में बिना पैसा खर्च कर या कम पैसा खर्च करके, ये सारे ट्रिप टीक एंड ट्रिप आपके लिए लेके आता हूँ। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर दबाइए। तो मेरे चैनल में ऐसा टूल बनाने के बहुत सारे वीडियो है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर एक डेमो की तरह से, डेमो के जरिए एक दिखाए कि डॉट कैसे बनाते हैं, और किस प्रकार हम अलग अलग सुंदर सा डॉट के डिजाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे हमने ये डॉट यूज करके हमने डिजाइन बनाए। तो इस प्रकार एक सुंदर सा डिजाइन बनाए, आप बहुत सारे सुंदर सुंदर डॉट बनाइए, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइन बनाइए। तो ये क्या है, सिंपल सा सरल सा एक सुंदर सा टूल, आप जरूर बनाइए घर पे और उसको यूज कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।